हेलो दोस्तों, एज़ यू नो अबाउट माई सेल्फ, आई एम हरप्रीत एंड दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो दैट वी आर गोइंग टू डू. दिस इज़ वीडियो रिलेटेड टू कल्चरल स्टडीज़ एंड वी आर डूइंग द सेकेंड अबाउट द सेकेंड मेम्बर ऑफ बर्मिंगहम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज़. This is Richard Hoggart, who is the founding member of Birmingham School of Cultural Studies. Richard Hoggart की हम बात कर रहे हैं. उसकी दो किताबें हैं. एक है Uses of Literacy, साक्षरता के उपयोग. दूसरा उसका important work है Mass Media in Mass Culture. Mass Media in Mass Culture, ये उसका दूसरा work है. Mass Media in Mass Culture. Okay. तो हम इसके एक इम्पॉर्टेंट जो वर्क है यूजेस ऑफ लिटरेसी उसकी बात करेंगे, जो कि 1957 में आया था, 1957 में आया था यूजेस ऑफ लिटरेसी, जिसका सब टाइटल है एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ. ये जो वर्किंग क्लास लोग हैं इनके ज़िंदगी के पहलू, द यूजेस ऑफ लिटरेसी. इस किताब का जो ओरिजिनल टाइटल उसने रखा था स्टुअर्ट हॉल ने, सॉरी रिचर्ड हॉगर्ट ने, उसका नाम था एब्यूजेस ऑफ लिटरेसी, साक्षरता के अब्यूजेस, बुराइयां, साक्षरता की बुराइयां. ये इसने ओरिजिनल टाइटल रखा था. तो इसमें साक्षरता की बुराइयां, साक्षरता की बुराइयां का कारण क्या बना कि जो वर्किंग क्लास है ये साक्षर जब हो गई, जब ये पढ़ लिख गए, तब इनके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आई, इन वर्किंग क्लासेस के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आई, उसी का एनालिसिस किया है इस वर्क में रिचर्ड हॉगर्ट ने. इस किताब को उसने दो हिस्सों में बांट दिया, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया. पहले हिस्से का नाम था ओल्डर ऑर्डर, पुराना क्या था, पुराने समय में क्या था, ओल्डर ऑर्डर. और दूसरा पार्ट है येल्डिंग प्लेस टू द न्यू, और नए पुराने के स्थान पर नया क्या आ गया. ये जो किताब है इसमें उसने 1930 से लेके 1950 तक के जो ये 30 साल का समय था, इसमें इस किताब से उसने 29 सालों के बीच जो वर्किंग क्लास की ज़िंदगियां थी उसको बड़े साफ़ सुथरे ढंग से विविडली क्लियरली उसको दिखाया. और इसमें उसने ये भी दिखाया कि जो इस समाज में एक बड़ा जो चेंज आया, ट्रांजिशन आया, इसका क्या असर हुआ, क्या इसके इफ़ेक्ट निकले. उसने इस किताब में बताया कि यूजेस ऑफ लिटरेसी, ये जो किताब है ये एक यत्न है, ये एक अटैम्प्ट है जिससे हम जो चेंजेस आए हैं कल्चर में, ब्रिटेन के वर्किंग क्लास में, मास कल्चर में जो चेंज आए हैं उसके बारे में इसमें बात की गई है. मास कल्चर, मैसिफिकेशन एक उसने टर्म दी, ये क्वेश्चन नेट में आ सकता है. मैसिफिकेशन जो हुआ है मास कल्चर में, जो एक तब्दीली हुई है उसके बारे में इसमें बात की गई है. यहाँ पे जो मास जो है, जो ये सारा चेंज जो होता है वो मींस ऑफ प्रोडक्शन में भी अगर जब चेंज होते हैं तभी वो चेंज हो पाते हैं, और जो जब सरकारें बदलती हैं तब एक नया चेंज आता है. उन मेजर जो ये हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन और जो सरकार की आइडियोलॉजी, उसके कारण ही ये जो वर्किंग क्लास लाइफ है इनकी लाइफ्स में चेंज आता है, उसी के बारे में इसमें बात की है. और उसने ये बताया कि एकेडमिक पैरामीटर्स में लिटरेसी जब आई तो इसने एक नए ढंग की सोच क्रिएट कर दी जिससे वर्किंग क्लास लोगों का नुकसान ही हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ. रिचर्ड हॉगर्ट ने अपनी स्टडी में कहा कि जब से ये पल्प फिक्शन शुरू हुआ है, पल्प फिक्शन मतलब फजूल की मैगज़ीन और नॉवेल्स पढ़ने जब शुरू किए गए हैं, फजूल के जो ये मैगज़ीन्स आए हैं, न्यूज़पेपर आए हैं और मूवीज़ आई हैं, इन्होंने एक ड्रिफ्ट पैदा कर दी है, एक बड़ा ड्रिफ्ट. भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि नेट में पूछी जा सकती है कि रिचर्ड हॉगर्ट की यूजेस ऑफ लिटरेसी में, और दो टर्म्स दी उसने, एक मैसिफिकेशन और दूसरी ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट का मतलब है एक बड़ा चेंज आ गया जब से ये लोग पढ़ने लगे इन चीज़ों को, इन बकवास चीज़ों को पढ़ने लगे. ही डॉक्यूमेंट्स द ब्रेकअप ऑफ द ओल्ड, उसने इस किताब में बताया कि पहले जो पुराना था उससे कैसे कटअप हुए हैं, कैसे ब्रेक हुआ, और वो पुराने जो सोसाइटीज़ थी उसको वो याद करके उसको, उसके ऊपर लैमेंट कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है. और उसकी रिप्लेसमेंट किस चीज़ से हुई, रिप्लेसमेंट हुई नए जो मैन्युफैक्चर्ड मास कल्चर जो है उससे, जो चेंज आई है. हॉगर्ट ने अटैक किया कि ये जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रचारक हैं मास कल्चर के, इन्होंने
इन्होंने एक नई तरह का इंडिविजुअल पैदा किया है, वो सिर्फ प्लेजर चाहता है, वो कोई मीनिंग नहीं चाहता लाइफ में, वो बस प्लेजर चाहता है। ऐसे हेडोनिस्टिक ग्रुप इंडिविजुअलिज्म के बारे में उसने हॉगर्ट ने उसके ऊपर अटैक किया और उसने एंड टैकल्स द वे दैट पॉपुलर कल्चर इज़ रिगार्डेड बाय दोज हु प्रोड्यूस्ड इट। ये प्रोड्यूस किसने किया उनके ऊपर भी इस किताब से उसने अटैक किया है।